वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस विच मे बी पास बाय द क्रिमिनल कोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हायरकी ऑफ कोर्ट क्या है क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम की हमारी कंट्री में क्या क्या हायरकी है। पहले सुप्रीम कोर्ट का था, हाई कोर्ट था, फिर सेशन कोर्ट था, फिर उस तरह से डिवाइड किए गए थे। अब हम देखेंगे, हमने हायरकी तो देख ली कि कैसे कैसे क्रिमिनल कोर्ट डिवाइडेड है हमारी कंट्री में स्टेट के अंदर। अब हम देखेंगे उनके बिजनेस, उनकी पावर्स क्या है, उन कोर्ट्स की जो हमने डिवाइड किए। अब हमने हर कोर्ट को डिवाइड किया है, हर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन लेवल पर रखा है, तो हमने कुछ बिजनेस भी दिया होगा उनको, काम करने के लिए भी दिया होगा, उनको पावर भी दी होगी कि आप यहाँ इतने से इतने सेंटेंस की चीज़ें आप पास कर सकते हैं, इतने इतनी फाइन पास कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे। तो जो पावर ऑफ कोर्ट है वो चैप्टर 3 के सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 3 में दी गई है। पावर ऑफ कोर्ट में सेक्शन 26 क्या कहता है, पहले थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या क्या पावर, क्या क्या सेंटेंस पास कर सकते हैं डिफरेंट कोर्ट हमारी कंट्री में। तो सेक्शन 26 क्या कहता है, ऑफिस अंडर सेक्शन इंडियन पैनल कोड 1860 में बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट द कोर्ट ऑफ सेशन एंड एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। पहले ये बताने से पहले मैं बता दूं कि जो प्रोसीजर लॉ है और जितने भी कोडिफाइड लॉ है उनकी बेयर एक्ट जरूर पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बेयर एक्ट में सब कुछ दिया हुआ है, जो आपको जानने की जरूरत है वो सब कुछ एक बेयर एक्ट में अवेलेबल है। आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। जैसे कि एनी कोर्ट बाई विच सच ऑफिस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल, कहाँ दिया हुआ है, बेयर एक्ट में दिया। तो बेयर एक्ट के पीछे में जो सीआरपीसी का बेयर एक्ट है उसके पीछे में फर्स्ट शेड्यूल दिया, उसमें सारे ऑफेंस जो आईपीसी के अंदर है कॉग्निबल है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, ट्रैक किस कोर्ट से ट्राइबल, वो सब कुछ उसमें दिया हुआ। एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन 26 कहता है कि जो आईपीसी में जितने भी ऑफेंस क्रिएट किए हैं, या तो वह हाईकोर्ट द्वारा ट्रायबल होंगे, या तो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल होंगे, या तो एनी अदर कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिया, जो भी उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इस तरीके से जो भी दिया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग होंगे। पर उन्होंने एक प्रोविजन दिया है कि जो रेप से रिलेटेड केसेस हैं, 376 हो गया, 376A हो गया, 376AB हो गया, इस तरह के जो भी इंडियन पैनल कोड में दिए हुए हैं, अगर एज फार एज प्रैक्टिसबल वो जो कोर्ट वुमेन द्वारा, जो प्रिसाइडेड बाय वुमेन जज है, उन्हीं के द्वारा किया जाए। मोस्टली कोर्ट ऑफ सेशन और जो रेप केसेस होते हैं वो फर्स्टली कोर्ट ऑफ सेशन में ही जाते हैं, और जिस कोर्ट ऑफ सेशन में वुमेन है ये डिजायरेबल है कि ये उनके द्वारा ही प्रिसाइड किया जाए और ट्रायल किया जाए उनका। एनी ऑफिस अंडर एनी अदर लॉ, अभी हम इंडियन पैनल कोड का देख रहे थे कि पैनल कोड में इंडियन पैनल कोड में जितने भी ऑफेंस है वो ये कोर्ट से ट्राइबल होंगे। अब हम देखते हैं कि ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, ये तो हो गया, लोकल लॉ भी होते हैं और जो स्पेशल एक्ट्स होते हैं, सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और अदर स्पेशल डॉरी प्रोविजन एक्ट है, तो ये सब जो एक्ट है, जो डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल एक्ट होते हैं उनके स्पेशल कोर्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो एनी अदर लॉ शैल व्हेन सच कोर्ट मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट एंड व्हेन नो कोर्ट इन मेंशन मे बी ट्राइड बाई हाई कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट बाई विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। अगर कोई स्पेशल एक्ट है अंदर एनी अदर लॉ, अगर उन्होंने कोर्ट दिया है कि नहीं ये स्पेशल कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा, जो जिसमें जो कोर्ट क्रिएट किए हैं, चिल्ड्रन कोर्ट किया गया है, जो बच्चे होंगे वो उन्हीं में ट्राई किए जाएंगे, तो वो उनमें ट्राई किए जाएंगे। पर अगर कोई भी कोर्ट मेंशन नहीं है तो वो हाई कोर्ट द्वारा किए जाएंगे या एनी अदर कोर्ट विच इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। सेक्शन 27 भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें क्या कहता है कि कोई भी ऑफेंस जिसमें डेथ सेंटेंस नहीं दी गई है और ना ही लाइफ इंप्रिजमेंट दी गई है, और अगर वो कमिटेड बाय ये चाइल्ड ऑफ अंडर 16 ईयर ऑफ एज, अगर 16 साल के अंदर का कोई सी बच्चे ने किया है और वो कोर्ट के सामने पेशी की जाती है उसकी, तो अगर कोई स्पेशल कोर्ट नहीं दिया है, अगर कोई स्पेशल कोर्ट उसमें दिया है तो आप स्पेशल कोर्ट उसको ट्राई करेगा, और नहीं दिया है तो इसको ट्राई करने का राइट सिर्फ और सिर्फ पावर सिर्फ और सिर्फ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही है, जो 16 ईयर्स के अंडर जो बच्चे क्राइम करते हैं और जिसमें डेथ सेंटेंस और लाइफ इंप्रिजमेंट नहीं है, उनमें कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही ट्राई करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि सेंटेंस विच में भी पास बाय क्रिमिनल कोर्ट, डिफरेंट क्रिमिनल कोर्ट, ये सेक्शन 28 से 29 में दिया हुआ, सेक्शन 28 में हाई कोर्ट एंड सेशन जज की पावर दी गई है, सेक्शन 29 में अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है हमारी कंट्री का, और उसके बाद हाई कोर्ट है। तो ये दोनों कोर्ट है, ये इंडिया में कोई भी लॉ हो, कैसा भी लॉ हो, ऑथराइज जो भी लॉ बने हैं वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं। इन पे कोई बार नहीं है, इनकी पावर पे अनफेथर्ड है, मतलब रीजनेबल होनी चाहिए, पर ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं किसी भी क्राइम के लिए जो भी दिया गया हो। अब दूसरा देखते हैं, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, दोनों की पावर सेम होती है। सेशन जज है एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ बट सेंटेंस ऑफ डेथ इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है वो भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो भी ऑथराइज बाय लॉ है हमारी कंट्री में, बट जब वो डेथ सेंटेंस पास करते हैं वो उसको उनको हाईकोर्ट पर भेजना पड़ता है। सेक्शन 366 सीआरपीसी के अंडर उनको हाईकोर्ट को सबमिट करना पड़ता है कि देखिए हमने सेंटेंस पास किया, और हाईकोर्ट देखता है कि वो सही पास किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर उनको लगता है कि वो सही पास किए हैं तो हाईकोर्ट उसको कन्फर्म कर देती है, नहीं तो उसे अनल कर देती है। 68 में हाईकोर्ट की पावर है कन्फर्म करने को, अनल करने को कन्विक्शन को। और अगर 69 में कहे कि कन्फर्म चाहे तो हाईकोर्ट कोई दूसरी सेंटेंस ही पास कर सकते हैं, दूसरी जो उन्होंने डेथ सेंटेंस दी थी उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कम में कर सकते हैं, रिग्रेस कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट को पावर होती है चेंज करने की जो सेंटेंस सेशन कोर्ट ने पास की है। पर 366 सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी में सेशन जज को जो उन्होंने डेथ सेंटेंस पास किया उनको कंफर्मेशन के लिए हाईकोर्ट को देना ही पड़ता है। असिस्टेंट सेशन जज इंप्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर और फाइन एंड फाइन। जो सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज है जिस भी ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक की है तो वो सेंटेंस पास कर सकते, उससे ऊपर उनको पावर नहीं है। जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है ये सब में उनको पावर नहीं होती है, वो सिर्फ 10 साल तक जो भी ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल तक दी गई है मैक्सिमम 10 साल है, और वो फाइन लगा सकते हैं कितना भी। इनके फाइन लगाने पे मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सेशन जज एडिशनल सेशन जज असिस्टेंट सेशन जज के एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की फाइन लगाने की पावर पे कोई बार नहीं। वो कितनी भी फाइन जो भी रीजनेबल होगा हर सर्कमस्टांस केस के अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि हर केस अलग होता है, उनके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, डिपेंड करता है क्या क्या क्राइम किया है, किस तरीके की क्राइम किया है, तो अगर वो सबको ध्यान में रखते हुए वो कितना भी फाइन लगा सकते हैं उन पे बार नहीं है। ठीक है, अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ये वो सारी इंप्रिजनमेंट पास कर सकते हैं जिसमें अप टू 7 ईयर तक पनिशमेंट दी गई है और फाइन दी गई है। इनकी फाइन के लगाने की पावर भी कोई इशू नहीं है, आराम से जितना चाहे फाइन लगा सकते हैं, और वही ऑफेंस ये ट्राई कर सकते हैं जिसकी पनिशमेंट मैक्सिमम 7 ईयर्स है, उसके ऊपर नहीं। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हम देख लिया। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मैंने बताया था कि जो मेट्रोपोलिटन एरिया जिसमें पॉपुलेशन 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा की होती है उनकी अलग कोर्ट होते हैं, CMM होते हैं, जैसे दिल्ली में CMM है, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है, MM है, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है। ऐसे ही जो मेट्रोपोलिटन एरिया होंगे हमारी कंट्री के उनमें ये मजिस्ट्रेट बैठते हैं, बाकी एरिया में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं। दोनों ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट है पर उनका नाम बस अलग है। तो अब देखते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स और फाइन अप टू 10,000 रुपीज। अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दोनों की पावर सेम होती है, ये वो ऑफेंस में सेंटेंस पास कर ट्राई कर सकते हैं जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर्स है, और फाइन जो है वो मैक्सिमम 10,000 लगा सकते हैं। 2005 से पहले इनकी जो फाइन लगाने की पावर थी वो 5,000 थी, पर 2005 के बाद से इनकी पावर जो है फाइन लगाने की वो बढ़ा के 10,000 कर दी गई है। इम्प्रिजनमेंट वो अप टू 3 ईयर पास कर सकते, जिस भी क्राइम में इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स है वो ट्राई कर सकते हैं और फाइन वो मैक्सिमम 10,000 तक लगा सकते हैं। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 5,000, इनकी भी सेम है। ये जिस केस में इम्प्रिजन मैक्सिमम 1 ईयर है वो उसमें ट्राई कर सकते हैं वो केस को, और फाइन वो 5,000 तक लगा सकते हैं मैक्सिमम। 2005 से पहले ये 1,000 थी, 2005 के बाद से 5,000 कर दिया गया है। ऐसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो मर्डर है 302
ऑफ आईपीसी इंडियन पैनल कोर्ट, वो मर्डर का पनिशमेंट है उसमें, उसकी पनिशमेंट डेथ है और इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट लाइफ है एंड फाइन है। अब ये क्या है, ये इसमें क्या सेंटेंस होगी, डेथ की सेंटेंस हो गई और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो ये सेशन कोर्ट द्वारा ही ट्रायल किया जाएगा। पहला आप जो केस अपनी फाइल होगी आके वो सेशन कोर्ट में ही होगी और वही ट्राई करेंगे इसको। अगर वो डेथ सेंटेंस देते हैं तो फिर मैंने बताया 366 सेक्शन 366 में इनको हाई कोर्ट को देना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं तो नहीं करना पड़ेगा उन्हें। तो ये है फोरम है यहाँ पे जहाँ पे मर्डर का ट्रायल चलेगा। अब जैसे कॉजिंग डेथ बाई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट 304A आईपीसी का, उसकी सजा कितनी दी गई है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर्स और फाइन और बोथ 2 ईयर्स से। अब हम देख सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की पावर कितनी है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स एंड फाइन। तो ये केस जो है वो ट्रायल बाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, क्योंकि इसकी पनिशमेंट 2 ईयर है, इसकी पनिशमेंट जो है वो 2 ईयर्स है, तो वो 3 ईयर्स के उनकी पावर के अंदर आती है। अब 309 ऑफ आईपीसी क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसकी पनिशमेंट क्या है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर और फाइन और बोथ 1 ईयर। अब हम देख सकते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड क्लास की पावर कितनी है, अप टू 1 ईयर, तो इसमें 1 ईयर तक ही उनकी पनिशमेंट दी गई है। तो ये इनके द्वारा ट्रायल किया जाएगा ये केस, पहले अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इनकी कोर्ट में फाइल होगी, उसके बाद सारी प्रोसेस चलेंगी। तो ये हम समझ गए हैं कि अलग अलग कोर्ट की हायरार्की समझ गए हम, उनकी पावर क्या है, कहाँ क्या क्या सेंटेंस वो पास कर सकते हैं, क्या क्या फोरम है। प्लीज़ आप बेयर एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें सारे सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और सेक्शन 31 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 31 कहता है कि जब एक ही ट्रायल पे मोर देन वन ऑफेंस के लिए ट्रायल चल रहा होता है और अगर कोर्ट को पनिशमेंट देनी होती है, तो अगर वो वन से ज़्यादा ऑफेंस के लिए पनिशमेंट देते हैं जो उनकी पावर में है, इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो वो हमेशा कंसिक्वेंटली चलेंगी। कंसिक्वेंटली का मतलब होता है एक के बाद एक चलेंगी, अंटिल और अनलेस एक्सप्रेसली कोर्ट अगर अपने ऑर्डर में कहता है कि दे हैव टू रन कॉन्क्रेंटली, तभी वो एक साथ चलेंगी, पैरलर चलेंगी, अदरवाइज वो कंसिक्वेंटली चलती है। और सेक्शन 31 में दिया हुआ है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सेक्शन 30 में दिया हुआ है कि अगर जब आपने देखा कि कोर्ट फाइन लगा सकती है, फाइन एज ए पनिशमेंट, मॉनेटरी पनिशमेंट होती है, फाइन लगा सकती है, अगर फाइन लगाती है और अगर कोई फाइन नहीं दे पाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, नहीं देता है, तो उसके एवरेज में वो सब्सटेंशियल सेंटेंस जो हमने दी है वो तो दी ही है, प्लस फाइन के लिए भी हम सेंटेंस लगा सकते हैं। इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अगर करता है कोई भी, तो उसके लिए हम उन पर सेंटेंस लगा सकते हैं, पर सेंटेंस हम वही दे सकते हैं जो हमारी जो मजिस्ट्रेट सेक्शन 29 है, जो मजिस्ट्रेट की बात हमने बताई है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, वो उनकी पावर के अंडर जितने सेंटेंसेस के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो लगाएगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर है उनकी, तो उनको उससे कम ही लगानी पड़ेगी, उससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकते। तो अपनी पावर के अंदर में रहते हुए वो अगर फाइन पे करने में कोई डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए उसको जेल भेज सकते हैं, एक्स्ट्रा जेल भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।